सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय येट अनदर ब्लॉग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एनफील्ड ब्रदर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सभी को तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। आपने इतना प्यार दिया, आपने मतलब 100 हो गए, अपने 101 थे, अभी 102 हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इतना प्यार देने के लिए। मैं भी मेरी साइड से पूरा बेस्ट करूँगा अपनी तरफ से। ओके, जितना हो सके मैं वीकली 2 या 3 ब्लॉग तो डालने करूँगा और मोस्टली कंटेंट ही डालूंगा, मतलब कुछ ना कुछ रिलेटेड डालूंगा, डेली पे नहीं डालूंगा, कुछ ना कुछ रिलेटेड डालूंगा। बस अभी ऐसे ही प्यार दीजिए। और अभी एक नया टारगेट है, जैसे कि मैंने एक टारगेट सेट किया था कि जैसे कि 1 मंथ में 100 होना चाहिए, तो फिर एक सेकेंड मंथ में 250 का टारगेट है कि मतलब जैसे कि अभी 1 मंथ में अपना 100 हो गया, आप लोगों के प्यार से हो गया 100, तो सेकेंड मंथ में अभी अपना 250 हो जाना चाहिए, फिर थर्ड मंथ में 500, फिर फोर्थ मंथ में 1000, मतलब ऐसा ऐसा छोटा छोटा टारगेट सेट किया मैंने। बस अभी जितने ब्लॉग्स आएंगे प्लीज़ उस पर भी प्यार दिखाना, मैं भी मेरे तरफ से प्यार दूंगा जितना हो सके, आप भी प्यार दीजिएगा। इस मंथ का टारगेट मतलब अभी जो मंथ आएगा 250 अपन रखते, भरोसा मेरे को, मेरी पब्लिक पे, मेरे सब पे भरोसा कि हो जाएगा 250। आँख बंद करके बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, अभी एक्चुअली आज कैसा कि जा रहे हम एक राइड पे, मैंने बोला था ना 100 सब्स होंगे तो उसकी भी पार्टी करेंगे अपन। हाँ, आज एक छोटी सी राइड, एक चिकली साइड जा रहे हम लोग। ओके, आई थिंक सो अप डाउन पड़ेगा 140-150 किलोमीटर्स। ओके, तो वही आज जो राइड पे चल रहे, बैठ के बात करते हैं, अभी थोड़ा कुछ दिखाते हैं आपको, चलो। हाँ, तो आज ये पार्सल आया, वही वर्धमान एक्सेसरीज से मंगाया गया। ये एक माउंट मंगाया हेलमेट के लिए, दिखाते आप लोगों को। ये ऐसा एक माउंट है, इसको डायरेक्टली अपन लगा सकते हैं, अगर आप देख सकते हो हेलमेट पे। देखो भाई साहब, ये ऐसे ही डायरेक्टली आएगा। एक बार मैं लगा लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि कैसा है। के बाद ना ऐसा दिखता है, अगर आप देख सकते हो प्रॉपर। अभी तक तो मैंने इसका ये भी नहीं निकाला है, अभी निकालते हैं। आइए, बाकी कुछ नहीं, अभी एक छोटे से राइड पे जा रहे हैं, वही 60-70 किलोमीटर से ज्यादा नहीं, उससे अभी चलते। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लास्ट वाले ब्लॉग में भी, हेलमेट वाले ब्लॉग में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, उसके वजह से बहुत अच्छा है गया ग्रोथ, लगा नहीं था उतना हो जाएगा लेकिन गया। ओके, चलो फिर अभी हेलमेट पहनते, मिलते हैं रास्ते पे, चलो। ये ऐसा दिख रहा है कैमरा पूरा, अगर आप देखोगे तो प्रॉपरली। बाकी इसके नीचे ना एक डिसएडवांटेज है, बताता हूँ, ये अभी ऐसा अटका हुआ है, अभी इसको ऐसा 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 करो तो ये निकल जा रहा है। इसको अपन यहाँ से ऐसा लॉक कर रहे ना, इसमें ऐसा लॉक हो रहा है, तो इसको ऐसा 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 करो, ये रुको, निकल रहा है ये बार बार, तो ये निकल रहा है ऐसा बार बार। तो इसका भी सोल्यूशन कैसा किया कि फेविक्विक लगा देंगे हम लोग, इसको परमानेंटली फेविक्विक से चिपका देंगे। अगर निकालना रहा तो यहाँ से कैमरा निकाल देंगे, बराबर नहीं रहा तो फिर देखो हेलमेट में कैसा लग रहा, पूरा स्मार्टी लग रहा है कि नहीं लग रहा, बताओ थोड़ा स्मार्टी, अपन बचपन से। चलो मेरा तो रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है ना। नहीं चालू क्या? हाँ हाँ, तो तू भी आया ब्लॉग में, ये भी जाएगा। चलो फिर, ये हमारी बंजारन, अगर आप देख सकते हो थोड़ा बाहर पाते बंजारन हमारी, चलते चलो। चलो भाई, सब सामान ले लिया गया, चलो Thank you.
करके फिर अभी यहाँ पे कहते 10 मिनट में चालू हो जाएगा रे, फिर मिलता है। भाई लोग मिले भाई यहाँ पे ये बनाते, इनको भी बोल दिया सब्सक्राइब करने के लिए, कर दोगे ना? ऐसे एक एक करके मैं सब्सक्राइब करवा रहा हूँ, तुम लोग भी करवा दो यार। अभी इसमें क्या भाई भी कर रहे हमारे, तुम भी कर दो अभी। बाकी अभी आपको चलो एक ये शोरूम दिखाते अंदर से। ओ माकस, ये पहली अपनी वाली खड़ी है वीडियो। अभी अभी जस्ट चिकली पहुंचे, टाइम कितना हो रहा है? 7:07 बज गया है, 2 घंटे की मस्त से राइड थी। टोटल 10 बाइक है और 11-12 राइडर है, सिर्फ हम 2 ही पिलियन है, बाकी सब सिंगल सिंगल सीट पे। सबसे मिलाते हैं अभी, आपको सबका इंट्रोडक्शन देता हूँ, फिर मिलता हूँ। मैं किरण डाकोरिया सूरत से बिजनेस करता हूँ, बाइकिंग 3-4 साल से कर रहा हूँ। कड़क किया, स्पीटी वैली किया, बाइक टूर में। हाय गाइस, मायसेल्फ करण टेलर, एयर जितना देसाई फ्रॉम राइडर रेजिमेंट सूरत कटारगा। मायसेल्फ पठान साहिद, रॉयड राइड ऑर्गेनाइजर और एंथुसिएस्ट मोटर। हाय गाइस, आई एम चिराग मारू, राइडर फ्रॉम जेएसएन मोटर्स। Hello guys, Janak Patel, rider from Surat. Hi, Sushil from Kerala. In short, सब एक्सपीरियंस वाले, हम लोग यहाँ पे नल्ले पावे नए नए अभी आए, बाकी जितने राइडर्स है सब एक्सपीरियंस वाले आए। देखिए हमारे सर ने इंटरनेशनल राइड किया, कौन सा? नेपाल, भूटान, सिक्किम। हमारा बात ही नहीं है कुछ यार, जान दो तुम। चिकली का सबसे ज्यादा फेमस ना यहाँ का मामना है, जैसे अपने इधर जैसे सीख कबाब होता है सेम वैसे ही रहता है, लेकिन अगर आप पूरे गुजरात में बोलो ना कि मामना, तो मामना सबसे ज्यादा अच्छा चिकली का और कहीं का भी नहीं, बस उधर ही आइए। थोड़े भी सब लोग के साथ घुल मिल लेते हैं। अभी सबसे पहला राइड किया था हमने वहाँ पे, इन लोग के साथ वन राइड किया था, आपने ट्रेनर तो देख ही लिया। उसके बाद अभी ये सेकेंड राइड इनके साथ। Thank you.
परनेश्वर पहुँचे, रात हो गई है, सबसे अलविदा टाटा बाय बाय करके फिर चलो जा रहे क्या? हाँ हम लोग यहाँ से परनेश्वर से डिंडोली होके निकलेंगे, चलो मिलते जाएंगे ना। हाँ चलो वन सेकेंड मिलते मिलते आप भी आओ, चलो बाय बाय, बहुत जल्दी मिलते बहुत जल्दी मिलते बाय, चलो बहुत जल्दी मिलते बुम, चलो चलो बहुत जल्दी मिलते चलो अपन भी घर चलते मिलते। अभी नेक्स्ट डे मॉर्निंग, कल रात को टाइम दिखा देता हूँ पहले तो 6:51 मॉर्निंग के, कल रात को हम लोग 10:30 तक में घर आ गए थे। फिर मैंने सोचा कि रात को ही ब्लॉग एडिट, रात को ही पूरा ये लास्ट वाला जो शूट है रात को ही करके एडिट करके डाल दूँ, मतलब कर दूँ ताकि सुबह तक अभी अपलोड करूँ। फिर मैंने लास्ट के क्लिप्स देखे जो फॉरवर्डेड किया हुआ है, जहाँ पे एक पॉइंट आया था कि मैंने लिख दिया हो कि यहाँ पे फॉरवर्ड किट किया था, क्या हुआ कि इसमें स्लोमो था और ध्यान ही नहीं दिया कि हम लोग ने स्लोमो में, और मैंने पूरा जो पार्ट शूट किया स्लोमो में, बहुत सारा पार्ट स्लोमो में शूट किया। यहाँ से मैं निकला वो साइड, वहाँ से भी स्लोमो में हुआ, फिर जब हम राइट के लिए निकले वहाँ पे भी बहुत सारे पार्ट शूट्स हुए, पूरा स्लोमो में हो गया, पूरा मूड ख़राब हो गया रात को मेरा देख के, मैं क्या बोलूँ। फिर मेरे को इतना वो हो गया कि अरे बहुत प्यारा ब्लॉग बनता था, कम से कम कुछ 15-1 मिनट का बहुत प्यारा ब्लॉग बनता था, 15-20 मिनट का बहुत, मतलब आप लोग को भी अच्छा लगता देखने में, मेरे को मज़ा आता एडिटिंग करने में, वो जो क्या ही बोल। बाकी मैंने ज़्यादा शूट भी नहीं किया था, देखो जब मैं वहाँ पहुँचा था तो कैसा था कि सब एक्सपीरियंस राइडर थे, जैसे कि बताया कोई इंटरनेशनल किया है, सब लद्दाख किया है, किसने ये किया है, हम नए नए थे तो ज़्यादा शूट करने को अच्छा नहीं। मैं बात किया लोगों से, मिला जुला एक्सपीरियंस कि कैसा उनका क्या कहा, कैसा कैसा एक्सपीरियंस था, कैसा कैसा एक्सपीरियंस नहीं था, वो सब जाके मालूम पड़ रहा है। यही होता कि देखो हम जिस अपने से जब बड़े लोगों के साथ घूमते तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हमें मिलता है, मतलब बहुत अच्छा, उन्होंने क्या किया क्या इसे नहीं किया हमको पूरा गाइड किया उन लोग ने। मैंने तो पूछा भी लद्दाख जाने का कॉस्टिंग, वो बोले 40-50 के रेंज का तो लद्दाख का लगेगा ही, बाकी वो प्लानिंग चलता रहेगा, वो तो होता रहेगा और कुछ नहीं। और एक इसके भी प्रॉब्लम्स मिली क्या है क्या, ये इसका है वाटरप्रूफ केस। अभी जैसे कि मैं हेलमेट में माउंट करता हूँ, हेलमेट में ये लगता है, तो वॉइस प्रॉपरली आ नहीं रहा था, मतलब मेरे को आइडिया नहीं था। एक क्लिप में आपने देखा रहेगा जब मैं वो भाई से सब्सक्राइब करा रहा था जहाँ हम लोग खाने बैठे थे, वहाँ पे वॉइस नहीं आ रहा था प्रॉपरली, इसके वजह वो ये टाइम ये लगा हुआ था। अभी देखो अभी इतना ही डायरेक्शन था इतना ही वॉइस था, इसमें प्रॉपरली आ रहा है, वो टाइम पे नहीं आ रहा था ये। अभी मैं माइक अगर खरीद भी लूँ, माइक इसमें लगेगा तो इसमें कहीं पे भी जगह नहीं है कि माइक मतलब अंदर से निकले ऐसा और लगे, तो अभी ये एक प्रॉब्लम सामने है, अब इसका भी कोई सोल्यूशन करते। और बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि जो फॉरवर्डेड में था थोड़ा बहुत आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे जो साइड में अभी फ़ोटो दिख रही है ना बाइक की और मेरी राइड में, वो जो थे हमारा जो वन राइड था चैनल का ट्रेलर पूरा, और ये था और साथ में 2-3 लोग भी थे, वो भी ब्लॉग में आए थे कल वाले, लेकिन सत्यानाश हो साला सबका। तो फिर वो जो थे पूरा जो मैनेजिंग था पूरा प्रॉपरली यहाँ से लेके हम लोग को पूरा, हम लोग सुबह 7:30 को निकले, 7:30 को रेंज में निकले थे और रात को 9:30-10 को घर पहुँचे थे। पूरा प्रॉपरली जो मैनेजिंग था, गाइडिंग था, स्टॉप सब कुछ प्रॉपरली पूरा वही भाई ने हैंडल किया था, JSN मोटर्स के ही है पूरे, JSN मोटर्स अड़जन में हमारा यहाँ पे जहाँ से हम लोग ने स्टार्ट किया था रॉयल एनफील्ड का शोरूम वो। एंड सेकेंड जो फिर वो भाई हम लोग 2-3 लोग मस्ती कर रहे थे, वो तो पूरे एक्सपीरियंस बंदे, उन्होंने लद्दाख अब भी लद्दाख करके आए, सब करके आए, तो उनसे बस बातचीत हो रही थी, बहुत कुछ सीखने भी मिला अपने को, बहुत कुछ मालूम पड़ा कि कैसे क्या प्रॉपरली राइड्स के। सब वही बोले गियर्स ले ले, गियर्स ले ले, राइनॉक्स 13,500 ले लेंगे, थोड़ा वो सेविंग्स कर करके वो भी ले लेंगे बहुत जल्दी। बाकी ये तो हुई कल की बात, अभी एक मेरे को एक बात बोलनी थी, मतलब वो अपनी दिल से दिल की बात है अपने लोग। मेरा ना बहुत पहले से टाइम था कि मेरे को ब्लॉगिंग चैनल ओपन करना था, मैंने किया नहीं बहुत, आई थिंक सो 2020 से मैं सबको बोला था कि करना है, लेकिन कोई एक था ना कि मैं बोला था कि साथ में करेंगे किसी के साथ, अकेले एक नर्वसनेस था कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा। राइड मारा, वन राइड के बाद कोई प्लानिंग नहीं था कि मैं मेरा
पे ट्रेलर ये सब डाल दूंगा। बस मैंने राइड्स के बाद क्लिप्स बनाए, मैं सोचा इंस्टा पे रील्स डाल दूंगा, एज यूजुअली थोड़ा बहुत डालता रहता हूं। फिर सचिन था, सचिन नहीं मालूम मेरा दोस्त है, उसने बोला डाल दे चैनल पे, तो मैंने डाल दिया इसी पर्पज पे। फिर हम ऐसा घूमने गए फार्म, फिर फार्म डाला, फिर क्या हम देखते देखते चार या पांच स्टूडियो बन गए। मेरे को कल इतना अच्छा फील हुआ कि मतलब मेरा एक ड्रीम था कि मैं प्रॉपर राइड करूँ सब राइडर्स लोग के साथ, हेलमेट रहे, माउंट रहे मेरे पास भी, मैं भी ब्लॉग करूँ, शूट नहीं हो वो बात अलग है, लेकिन मेरा प्रॉपर वो जो एक सपना था वो हुआ मेरा। ऐसा कल लग रहा था कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ मेरी लाइफ में, मतलब क्या ही बोलूँ मैं आपको, बस यही चीज बतानी थी कि जो भी अभी मैं जो भी कर रहा हूँ आप लोगों की वजह से ही कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपको इतना प्यार देने के लिए, मुझे लगा भी नहीं था कि कुछ होगा ऐसा, मेरे को लगा था भाई डाल भी दूंगा तो क्या है 10-12 लोग वीडियो देखेंगे, 2 लोग सब्सक्राइब करेंगे, मैं यही इतना ही था, तो चलो डालते रहते। 100 भी हो गया हमारे, अच्छे व्यूज भी आते, 200-250 यही रेंज में व्यूज भी अच्छे अच्छे आ रहे, तो एक तरफ से ना एक ऐसा, अगर ये चले सक्सेस हो नहीं सक्सेस हो उससे मतलब नहीं है, एक रहता है कि अभी दिल में आ गया कि हाँ मैंने किया, मैंने वो इन्जॉय किया, वो वाला एक पॉइंट आया ना एक लाइफ में मेरे कि मैंने वो भी पॉइंट इन्जॉय किया, बस वही बताना था और कुछ नहीं। बाकी तो अभी सब मालूम पड़ गया ऑलमोस्ट बहुत सारी, वह कल फर्स्ट टाइम मोटो ब्लॉगिंग किया तो मेरे को एंगल तक का भी आइडिया नहीं, कहीं ना कहीं एंगल नीचे हो जा रहा था, कभी थोड़ा ज़्यादा ऊपर हो रहा था, और जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि वो माउंट निकल रहा था तो मेरे हाथ में ग्लव्स थे, तो ग्लव्स पहन रहा था ना तो जैसे कि जब ये होता है ये ऐसा होता है तो मेरे को यहाँ पे इसके ऊपर जोर से प्रेस करना है तो चालू होगा, तो मैं ग्लव्स पहन रहा हूँ तो मेरे को समझ नहीं आ रहा, तो मैं ऐसा जोर से प्रेस कर रहा हूँ ना तो ये हाथ में आ जा रहा है, कैमरा ही हाथ में आ जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो इशू फेस किया मैंने। तो अब भी मैं तो सोचा उसमें फेविक्विक लगा लूँ या फिर येलो की तरफ से भी माउंट मिला है वो वाला माउंट अटैच कर लूँ, देखते अभी जैसा भी होगा। था कल फर्स्ट राइड बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा ब्लॉग बनाता मैं कसम से, लेकिन फिर कोई नहीं, चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है, कहीं ना कहीं अच्छा पार्ट भी शूट हुआ, आप हो गया जो हो गया अभी जाने दीजिए, कोई नहीं। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ इसे लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, शेयर ज़रूर करना, हमारा टारगेट 250 का है राइट, 20 सेकेंड को अपना 100 कम्प्लीट हो गया, तो नेक्स्ट 20 सेकेंड्स को याद रखना, नेक्स्ट 20 सेकेंड को अपना 250 हो जाना चाहिए। वैसे तो मेरे को भरोसा है, मैंने पहले स्टार्टिंग में बोला कि 250 तो वैसे ही हो जाएंगे, कोई इशू नहीं है, और बाकी कुछ नहीं तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, एक बार थोड़ा पीछे का व्यू देखो, बहुत प्यारा व्यू। चलो फिर बाय बूम।